सो हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और गाइस, आज हम यहाँ पर बात करने वाले यहाँ पर आईकू की तरफ से एक और आने वाले स्मार्टफोन के बारे में। फिलहाल के लिए दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है ये यहाँ पर चाइना की टेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट कर लिया गया है, जहाँ पर इस स्मार्टफोन की पूरी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है। साथ ही स्मार्टफोन हमको कैसा देखने को मिलने वाला है वो भी यहाँ पर सामने आ चुका है। और गाइस, अच्छी बात यह है कि ये यहाँ पर आईकू की तरफ से चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी और तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिलने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आईकू की तरफ से जो भी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जाते हैं इंडिया में, उनकी प्राइसिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलती है। तो ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर कुछ ऐसी ही अट्रैक्टिव प्राइस के साथ में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, चलिए जानते हैं स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला और ये स्मार्टफोन आपको कब तक इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। इसके साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के ओवरऑल डायमेंशन की। तो गाइस, ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर 8.5 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ में देखने को मिलने वाला है। साथ ही स्मार्टफोन का जो ओवरऑल वेट होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा 189 ग्राम का। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन एक हाथ से इस्तेमाल करने में कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम प्लास्टिक बॉडी के साथ में ही देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको बैक में रेक्टेंगुलर डिजाइनिंग के साथ में आपको यहाँ पर ड्यूअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको यहाँ पर LED फ्लैश देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आईकू की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, बात करें यहाँ पर फ्रंट लुक की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर इन्फिनिटी वी नॉज देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर चीन और बिजल्स वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही काफी अच्छे देखने को मिलने वाले हैं, तो दोनों से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था स्मार्टफोन का कुछ फिजिकल ओवरव्यू। लेकिन गाइस, बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की डिस्प्ले से दोस्तों। तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD+ रिजोल्यूशन वाली IPS LCD डिस्प्ले के साथ में। साथ ही आपको यहाँ पर 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा गाइस, ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पर आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। जहां तक बात है गेमिंग की दोस्तों, तो गेमिंग के लिए आपको यहां पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको यहां पर 180 हर्ट्ज तक की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए तो स्मूथनेस में भी आपको यहां पर कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल आपको यहां पर डिस्प्ले काफी अच्छी देखने को मिलने वाली, तो डिस्प्ले से आपको यहां पर कोई भी शिकायत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहां पर स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो गाइस यार, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का ट्रेंड चल चुका है और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको जो मेन सेंसर देखने को मिलेगा वो भी होगा यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का। और शायद दोस्तों यहाँ पर आपको जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलने वाला है वो सैमसंग का सेंसर होगा। इसके साथ में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड और मैक्रो सेंसर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ में बात करें यहाँ पर सेल्फी कैमरा की, तो आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल एवरेज देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहाँ पर स्मार्टफोन के बैक कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60 FPS पर। साथ ही आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है 30 FPS पर। इसके साथ में बात करें यहाँ पर सेल्फी कैमरा की दोस्तों, तो आप यहाँ पर सेल्फी कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। तो यार, वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, बात करें यहाँ पर स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर MediaTek Dimensity 900 का एक लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर 6nm की फैब्रिकेशन पर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपको यहाँ पर हीटिंग बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलने वाली है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। और साथ ही दोस्तों, ये 5G चिपसेट है, तो आपको यहाँ पर 5G की कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर CPU की दोस्तों। CPU आपको यहाँ पर 64-bit आर्किटेक्चर के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको 8 कोर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 कोर आपके हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए होंगे। और यहाँ पर आपको 2.4 GHz की स्पीड देखने को मिलेगी। साथ ही आपको यहाँ पर Cortex A78 का कोर देखने को मिल जाएगा। और मीडियम परफॉर्मेंस टास्क और साथ ही पावर एफिशिएंसी को हैंडल करने के लिए आपको यहाँ पर 6 कोर देखने को मिल जाएंगे 2.0 GHz पर। और यहाँ पर आपको Cortex A55 के कोर देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलने वाले, डेली टास्क मल्टीटास्किंग वगैरह आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर आम वाली G78 का MC4 का एक 4 कोर वाला GPU देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो गेमिंग से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल दोस्तों, आपको यहाँ पर गेमिंग और परफॉर्मेंस दोनों ही काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी।
साथ ही दोस्तों बात करें यहाँ पर रैम और स्टोरेज की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है 6 और 8 GB की रैम, जहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 128 और 256 GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, और पॉसिबली दोस्तों यहाँ पर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चांसेस यही है कि आपको यहाँ पर UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल सकती है। तो सबके पास देखा जाए तो आपको यहाँ पर रैम और स्टोरेज का जो मॉड्यूल देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है बैटरी मॉड्यूल की दोस्तों, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर आपको 44W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये काफी अच्छी बात हो जाती है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर 44W का नहीं बल्कि हो सकता है 30W का ही चार्जर देखने को मिले, तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों यही स्मार्टफोन 44W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल भी कंफर्म है। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलने वाली है, तो ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर बैटरी मॉड्यूल काफी अच्छा देखने को मिलेगा, तो बैटरी मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। जहां तक बात है स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की गाइस, तो इस फोन के अंदर आपको यहां पर IPS पैनल देखने को मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपको यहां पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, साथ ही आपको यहां पर फेस अनलॉक जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे। इतना ही दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको यहां पर 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलने वाला है, तो ये काफी अच्छी बात होने वाली है। इसके साथ में आपको यहां पर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलने वाला है, तो आपको यहां पर ऑडियो क्वालिटी भी डिसेंट देखने को मिल जाएगी, तो ऑडियो से भी आपको यहां पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही दोस्तों शायद यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी आपको हाइब्रिड स्लॉट ही देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको एक साथ में 2 SIM या फिर 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की गाइस, तो ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस्ड फन टच 11.1 पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप्स देखने को मिलते ही हैं, लेकिन आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसका मतलब गाइस कि आपको यहाँ पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो फाइनली गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में। तो गाइस अभी ये स्मार्टफोन यहाँ पर ऑनलाइन चाइना की डेना सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, तो उस हिसाब से ये स्मार्टफोन पहले आपको चाइना में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और गाइस बहुत जल्द यानी दोस्तों 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जहां तक बात है स्मार्टफोन की प्राइसिंग की यार, तो आईकू की हिस्ट्री को देखा जाए तो यार स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से स्मार्टफोन की जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल कर आई है दोस्तों, वो आपको लगभग यहाँ पर 14,000 रुपये से लेकर के 16,000 रुपये के बीच में देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये कंफर्म प्राइस नहीं है, लेकिन दोस्तों स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये स्मार्टफोन आपको लगभग इसी प्राइस के आसपास में देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो आपको यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल सिर्फ एवरेज देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी सब कुछ यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल, बाकी सब में आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो अराउंड आपको यहाँ पर इसी के आसपास में देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर स्मार्टफोन की प्राइसिंग इससे ऊपर जाती है यार, तो उस हिसाब से ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा ओवर प्राइस देखने को मिलेगा, और ऐसा लगता नहीं है दोस्तों कि स्मार्टफोन की प्राइसिंग इससे ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर IQ Z3 ये जो स्मार्टफोन है ये ऑलरेडी यहाँ पर सेल में आपको 15,000 रुपये के आसपास में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो ऑलरेडी बहुत जल्द कम होने वाली है। तो उस हिसाब से गाइस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो ऑलरेडी पहले से ही कम होने वाली है, तो देखते गाइस कि ये स्मार्टफोन आपको कितनी जल्दी और किस प्राइस पर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। वैसे गाइस ये तो था मेरा पर्सनल ओपिनियन, आप सभी की इसके बारे में क्या रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर से पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और हाँ यार थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर टाइम टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।